आई गाइज वेलकम टू टू डेज वीडियो एंड होप ऑल ऑफ यर डूइंग वेल और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा अबाउट कोविड नाइन्टीन के जो होटल्स हैं कौन कौन सी होटल है जो आप बुक कर सकते हो थ्री डेज़ के लिए और ये कंपलसरी है सो कौन कौन होटल से होटल्स हैं उनकी उनका क्या है सब कुछ हम इसमें इस डिस्कस करेंगे कैनेडा डॉट सी ए की साइट पे अपडेट होगा है ये सो जैसे ही मुझे मिला मैंने तुरंत ही ये वीडियो शुरू कर दिए सो so, चलो आ, पहले हम देख लेते तो पहला ये इस इस पूरे आर्टिकल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो आप आ, खुद भी चेक कर सकते हो सो कोविड नाइन्टीन मैंडेटरी होटल स्टॉप ओवर बुकिंग्स एंड लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑथोराइज होटल ओके होटल स्टॉप ओवर बुकिंग्स आर मैनेज बाय अमेरिकन एक्सप्रेस ग्लोबल बिजनेस ट्रैवल एंड अवेलेबल बाय फोन ऑनली टू बुक ए मैंडेटरी थ्री होटल स्टॉप ओवर कॉल वन एट डबल जीरो फोर एट टू फाइव थ्री मतलब आपको बुक करना हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो यू विल बी एबल टू चूज फ्रॉम द लिस्टेड होटल लोकेशन एंड बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड मतलब कि आपको जब भी आप फोन करोगे कब तो आपको प्रोवाइड करना होगा आपका नेम आपका डेट ऑफ बर्थ आपका अराइवल सिटी एंड डेट आपका पेमेंट इन्फॉर्मेशन स्पेशल रिक्वेस्ट एंड एक्सेसबिलिटी कंसर्न पेट इन्फॉर्मेशन फिर आप जब ये सब प्रोवाइड करोगे उसके बाद आपको एक ईमेल कंफर्मेशन आएंगे एकोमोडेशन विद इन फोर आवर्स ऑफ बुकिंग कॉस्ट ऑफ दिस मतलब ये सब जो कॉस्ट है uh, मतलब जो भी कॉस्ट आपके होटल की होगी वो क्या क्या इंक्लूड करती है तो उसमें फूड आ गया आपका रूम आ गया आपकी सिक्योरिटी आ, आ गया आपका ट्रांसपोर्टेशन आ गया आपका इन्फेक्शन एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स आ गया ठीक है सो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से ये है लिस्ट ऑफ़ गवर्नमेंट ऑथोराइज होटल्स सो so, पहले हम बात करेंगे जो चार एयरपोर्ट्स हैं उसके उस उस पर अभी तो बहुत कम होटल्स है लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे सब ऐड होंगे पता नहीं कैसे लेकिन अभी इतनी है सो so, अल्बर्टा में हम देखें तो एक एक्लेम एक 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 होटल है एक मेरियोड कैलगरी एयरपोर्ट पर है ठीक है फिर इसको बंद करके ये ब्रिटिश कोलम्बिया की तो एक ही है वेस्टिन वॉल सेंटर वैनक्यूअर एयरपोर्ट ठीक है फिर ऑनटेरियो की ज़्यादा है थोड़ी एल्ट होटल पियर्सन एयरपोर्ट फोर पॉइंट्स बाय सेरेटन एंड एलिमेंट टोरंटो एयरपोर्ट होलीडे इन टोरंटो इंटरनेशनल एयरपोर्ट शेरेंटन गेटवे होटल इन टोरंटो इंटरनेशनल एयरपोर्ट फिर ये एक विबैक मॉन्ट्रेल की है एलाफ्ट मॉन्ट्रियाल एयरपोर्ट क्राउनी प्लाजा मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट होलीडे इन एक्सप्रेस एंड श्यूट मॉन्ट्रियाल एयरपोर्ट मॉन्ट्रियाल एयरपोर्ट मेरियर इन टर्मिनल सो ये थी होटल्स जो कि आप बुक कर सकते हो और कैसे बुक करना है वो मैंने बताया ये है नंबर ये आप प्लीज़ नोट कर दिए जो भी जा रहा है अभी सो so, ये था पूरा और अभी इसके बाद जो होटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या होती है देखिए अगर पहले हम देखते हैं कि ट्रैवल एक्सपेक्टेशन ड्यूरिंग होटल से मतलब ट्रा, मतलब ट्रैवलर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट ठीक है तो गवर्नमेंट ऑथराइज होटल में ये चार एयरपोर्ट है ये तो हमने देखा दिस एकोमोडेशन अब प्राइवेटली ओन मतलब ये प्राइवेटली ओन है और ऑथोराइज बाई गवर्नमेंट दे अकोमोडेट ट्रैवल्स बाई वेटिंग फॉर देर अराइवल टेस्ट रिजल्ट जनरली दे दे आर फॉर पीपल हु डोंट हैव सिम्टम्स हैव है नगेटिव प्रीडीपार्जे कोविड टेस्ट रिजल्ट आर एंड क्लोज कॉन्टेक्ट्स ऑफ पीपल हु हैव और मे हैव कोविड नाइन्टीन मतलब कि आपको ये अकोमडेड ट्रैवल uh, जब भी आप ट्रेवल करते हो तो आपके पास एक कोई भी सिम्टम नहीं होना चाहिए आपको सर्दी खांसी uh, ताव वाव कुछ होना नहीं चाहिए uh, ज़ुकाम वुकाम फिर कोई भी आ, आपके पास नेगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए और आप किसी भी कोविड नाइन्टीन पॉजिटिव वाले के कांटेक्ट में नहीं आने चाहिए सो so, ये मिक्स्योर कीजिए गेटिंग टू यर गवर्नमेंट ऑथोराइज होटल यू कैन ड्राइव योर सेल्फ टू योर होटल इफ़ यर प्राइवेट व्हीकल इज़ इन पार्किंग लॉट ऑफ एयरपोर्ट अगर आपका ये तो हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट को ये ऑप्शन होता ही नहीं है विद इन वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द एयरपोर्ट फॉर एग्ज़ाम्पल यू डोंट नीड पब्लिक ट्रांजिट टू गेट टू गेट टू योर व्हीकल मतलब अगर वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द एयरपोर्ट है तो आप चल के जा सकते हो ओके गो डायरेक्टली टू यर होटल डोंट स्टॉप फॉर गैस फूड और अदर आइटम्स ये मेक श्योर करिए आप कहीं भी मत रुकिए सीधे अपने होटल जो क्वारंटाइन आपने बुक कराए उधर चले जाइए इफ़ यू डोंट हैव योर ओन प्राइवेट व्हीकल यू मेक टेक अ शटल बस फॉर गवर्नमेंट ऑथोराइज होटल फॉलो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड एट द एयरपोर्ट एंड टैक्सी और लीमो मतलब अगर आपके पास प्राइवेट व्हीकल जो हमारे हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये अप्लाई होगा ठीक है आपको उधर जब लैंड होंगे आपको वो लोग कहेंगे कि भाई चलो जो शटल बस होता है हमारे इंतर इंडिया में होता है रिक्शा ऐसा शटल बस सर्विस उन्होंने चालू की होगी तो आप उससे जा सकते हो अपने होटल या टैक्सी या जो बुक करें आपको जो आ, मतलब हो वो कर सकते हो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रैवल की ट्रैवलर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है जब आप आ, जाते हो उधर तो ड्यूरिंग योर स्टे यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग दी Rules and regulations of quarantine, instruction provided by screening officer or quarantine officer when entering Canada. You must self monitor for symptoms of COVID and report daily through Can You to daily Follow the code of conduct of the hotel. Pay for all costs associated with three night stay at the hotel, including any damage to the hotel room or property. Remain in your assigned room unless escorted by an official. Limit face to face contact with others. ऑलवेज वीयर अ नॉन मेडिकल मास्क एनी टाइम यू एंड ओपन यर डोर टू रिस्यू मील स्पीक फेस टू फेस विद अ होटल पर्सनल आर एस्कोटेड आउटसाइड ऑफ योर रूम ये मुझे कुछ समझ में है ना अगर आपको कुछ समझ आता है तो प्लीज़ नीचे कॉमेंट कर दीजिए हम सबको पता है ये जो लास्ट पॉइंट है आर एस्कोटेड मुझे समझ नहीं आया सो so, सॉरी फॉर डैट बट यू मस्ट नॉट लीव योर होटल रूम अनलेस इट्स फॉर मेडिकल इमरजेंसी अगर आपको कुछ रात रात कुछ हो जाता है तो इन दैट केस यू कैन लीव बट अगर उसके सिवा आप कुछ भी लीव नहीं कर सकते फॉर एन एसेंशियल मेडिकल सर्विस और ट्रीटमेंट प्री ऑथराइज गवर्नमेंट ऑफिसियल ठीक है विजिटर यू सैड स्पेसिस सजेस्ट पुल्स जिम्स आप ये कुछ नहीं कर सकते ये कुछ यूज नहीं कर सकते जैसे कि पुल्स है जिम्स है लॉबीज है क्वार्टार्ज है रेस्टोरेंट आपको सिर्फ आपके रूम में ही रहना है ठीक है चार्जेबल वायोलेशंस uh, ये सखास् में ध्यान रखी कि अगर आपने कुछ भी ये वायोलेट किया तो क्या क्या हो सकता है होटल्स कोर्ड टू कंडक्ट इंडिविजल्स हू डोंट फॉलो होटल कोर्स ऑफ मे बब्जेक्ट टू एन्फोर्समेंट मेजर अंडर द क्वारंटाइन एक्ट अदर एक्शंस अंडर प्रोविंसल और म्यूनिसपल लेजिस्लेशन लोकल पुलिस विल कॉन्टेक्टेड एस नेसेसरी अंडर द कंट्रवेशन एक्ट पुलिस एंड पब्लिक हेल्थ एजेंसी ऑफ कैनेडा ऑफिसर्स कैन रिस्यू ट्रेवल ट्रिकट्स टू पीपल हु डोंट कंप्लीट विद द क्वारंटाइन एक्ट एंड इमरजेंसी एनी ट्रेवलर हु इज अ कॉन्ट्रमेशन ऑफ द एक्ट मे फेस fines ऑफ up to मतलब अगर आपने जो ऊपर मैंने ये लिखा है उसमें से आपने कोई भी तोड़ा अगर तो आपको थ्री थाउजेंड डॉलर तक का फाइन लग सकता है डे ऑफ नॉन कंप्लायंस और ऑफेंस कमिटेड और अगर ब्रेकिंग ऑफ क्वारंटाइन और आइसोलेशन अगर आपने क्वारंटाइन ही ब्रेक कर दिया तो आपको फाइन अप टू सेवन लैक सेवन थाउजेंड सही सेवन लैक फिफ्टी थाउजेंड डॉलर मतलब सेवन सेवन फिफ्टी थाउजेंड डॉलर की आपको फाइन लग सकती है टू सिक्स मंथ्स इन फ्रीजन सो पढ़ना तो दूर की बात सो सो फोर्टीन डेज आपको रहना ही है और वो तो हम रहेंगे लेकिन ये मैं सिर्फ हाईलाइट कर देता हूँ क्या फिर सम इफ़ अ पर्सन ब्रेक्स मैडेडरी क्वारेंटाइन से रिक्वायरमेंट्स एंड कॉजेज द डेट ऑफ अ सीरियसली बॉडीली हार्म टू अनदर पर्सन दे कुड फेस वन और बोथ ऑफ द फॉलोइंग ओके okay. हाँ ये देख सकते हैं आप कितनी फाइन सब टू हो ब्रो ये हम ये कुछ होगा नहीं लेकिन ये मैं सिर्फ कह रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट मील विल बी डिलीवर टू यर रूम थ्री टाइम्स डेली तीन टाइम आपको खाना मिलेगा क्लीनिंग पर्सनल वोट एंटर यर रूम ड्यूरिंग दिस मैंडेटरी स्टॉप ओवर पीरियड यू विल बी प्रोवाइडेड विद सिक्सटी परसेंट अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर एंड अप्रूव हर सर्फेस डिस इन्फेक्टेंस दिस आर टू क्लीन डिस इन्फेक्ट द्रियर टच मतलब ये सब है ट्रैवलर्स हुट हैव सिम्टम्स कैन गो आउटसाइड फॉर लिमिटेड एंड मॉनिटर्ड आउटडोर टाइम चेक विद दि होटल फॉर द लोकेशन एंड स्कड्यूल ड्यूरिंग योर आउटडोर टाइम यू आर रिक्वायोट टू व्यर अ नॉन मेडिकल मास्क एंड मेटेन अ टू मीटर डिस्टेंस फ्रॉम अदर्स मतलब कि उन्होंने ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप बोर हो जाओ तो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आप बाहर जा सकते हो जब अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं हो तो

Once you have received uh, received your negative test, even if it's before the end of the year, three nights, you can call the hotel reception and notify them uh, of your checkout. If you have an approved quarantine plan, you will be allowed to complete the remainder of your 14 day quarantine at a planned location. Meaning, अगर आपका नेगेटिव आता है अगर थ्री डेज से पहले आ जाता है तो आपको रिसेप्शन पर कॉल करके आपको इन्फॉर्म कर देना है अभी मेरा नेगेटिव आ गया सो तो उसके बाद आप वो होटल लीव करके अपने क्वारंटाइन जो आपने करना होगा फोर्टीन डे उधर आप जा सकते हो इफ़ यू डोंट हैव अ सुटेबल क्वारंटाइन प्लान यू विल बी गो टू अ डेजिग्नेटेड फेडरल क्वारंटाइन फैसिलिटी टू कम्प्लीट रिमांड रिमेन अगर आपके पास नहीं हो तो आप इधर डेजिगनेटेड फेडरल क्वारंटाइन फैसिलिटी पर जा सकते हो और अगर पॉजिटिव आ जाता है तो क्या होता है if you receive a positive test stay in your room a public health agency of canada official will call you with instruction you will be required to isolate for 14 days from when the sample was collected this will be either a federal designated quarantine facility or other suitable location so ye to hoga nahi kyunki hum idhar se hi negative karwa uh, matlab test karwa jayenge so, ये थे पूरे टॉपिक्स जो मैंने शेयर किए और अभी इम्पोर्टेंट जो है वो है कि भाई कितनी फ़ीस होगी ठीक है मतलब ये कितनी ये जो टू थाउजेंड डॉलर्स है तो मैंने देखा है तब तक ये फीस होटल टू तो होटल डिपेंड करती है अगर आप टोरंटो में हो और ये जो होटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो होटल्स की है सो तो हमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप टोरंटो में जा रहे हो फॉर एग्जांपल और अगर आपको ए, एल्ट होटल पियर्सन एयरपोर्ट है या आप कॉल करके चेक कर सकते हो भी क्या है और अगर क्योंकि उन्होंने अभी वेबसाइट पे तो लाइव किया नहीं है आ, कोई भी आ, क्या 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 होगा कितनी रेट होगी मतलब क्या होटल का स्टे की रेट होगी तो जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आपके साथ शेयर करूंगा और अगर आपके पास आती है तो प्लीज़ इस वीडियो की कमेंट में शेयर कर दीजिए ताकि हमारे दूसरे फ्रेंड्स को पता चल सके एंड अगर ये आप वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई तो प्लीज़ लाइक कीजिए तो मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है और साथ ही साथ सब्सक्राइब करिए क्योंकि बहुत सारे लोग सब सब्सक्राइब नहीं करते हमारे चैनल को प्लीज़ कीजिए हम 500 क्रॉस कर गए थो, थो, थोड़े समय में हम 1000 पे माइलस्टोन अचीव कर देंगे और ऐसे ही कैनेडा रिलेटेड अपडेट्स देखने के लिए हमारी चैनल पे बने रहिए और ये वीडियो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ क्योंकि ये पूरा आर्टिकल पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाह रहे हो कैनेडा तो सो so, uh, मैंने तो पढ़ा लिया लेकिन अगर आपको ज़्यादा ही ज़्यादा पढ़ना या कुछ भी ज़्यादा दिखना हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दी है एंड दैट्स फॉर दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई होप It helps and thanks for watching